नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अब शुरुआत करते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की, जिसकी एक तस्वीर जिम्मेदारों की पोल खोलेगी, पूछेगी ऐसे कैसे आखिर चलेगा धांधली भ्रष्टाचार का खेल और गैर जिम्मेदाराना रवैया, कब तक आखिर। आज कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे, हकीकत बताएंगे, ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर अधिकारी से लेकर नेता मंत्री सब हक्के बक्के रह जाएंगे। सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, वरुण रॉय भी जुड़ेंगे और आशीष जैन है नरसिंहपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाई, अब विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले सूरजपुर की जानकारी आपको देते हैं, जहां प्रतापपुर ब्लॉक के सरहरी गांव की पीडीएस की दुकान में राशन नहीं तो बोरा में हमको मिलता था, बोरा से हम लेते थे और कहाँ मुड़वा के रखा है हम कहा जानते थे। तो आप लोगों को कुछ नहीं पता चलता? नहीं, बस बोरे में उठाते थे हम लोग, जैसे जो बोरा में था वही चावल को लेके जाते हैं। तो उसमें वीडियो में देखा तो उसमें हकीकत दिखा वीडियो के द्वारा, तो वही मैं चावल लेने आया कल, तो वहाँ बांट रहे थे चावल तो सबको दे रहे थे वो, तो फिर मेरा बारी आया, मैं लेने के लिए गया अंदर, तो वहाँ पे बोरा वोड़ा सब हटा रहे थे तो पूरा नीचे दबा रहा होगा तो ऊपर आ गया, मैं हंकने लगा तो बोला कि मैं चावल दे रहे जाऊँगा, आप जाके अपना ले आओ निकाल के। मैं बोला क्यों नहीं जाओगे यार, तो बोला कि महक रहा है। बोला क्या महक रहा है? तो वहाँ जाके देखा तो पूरा कीड़ा उड़ा चूहा हुआ एकदम मर के पूरा पड़ा हुआ है उधर अंदर में, अब पूरा चावल बूढ़ा फट गया, दीमक लग गया है। तो उसको फिर उसको स्कूल में भी देते हैं लड़का लोग के लिए खाने के लिए, छोटे छोटे लड़का लोग के लिए, और गाँव वाले भी सब खा रहे हैं उसमें, तो उसके लिए खाने से सेहत खराब नहीं होगा। सूरजपुर जिले में एक सास के राशन दुकान की तस्वीर वायरल होने के बाद एक बहुत बड़ा मामले का खुलासा हुआ, जहां आप देख सकते हैं ये वही प्रतापपुर ब्लॉक का सरहरी का राशन दुकान है और इस राशन दुकान का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जो गरीबों का खासकर चावल है उस चावल में कीड़े लगे हुए और जो गोदाम था उस गोदाम में जो चूहे मरे पड़े थे, उन तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है गरीबों के राशन के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा था। और ये वही गाँव के लोग हैं जो यहाँ से हर महीने के राशन उठाते हैं, हम इनसे जानते हैं इनको कितनी जानकारी थी। दादा, आपको जानकारी था वो जो वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो के बारे में, वीडियो को देख के क्या जानकारी मिला आपको? जानकारी ये हुआ ना कि जो कंपनी जो दे रहा है साथ में जिए साथ में हम मरे। अच्छा। लेकिन ऐसे नहीं है कि कुछ जहर महरू दे दें हैं, और ये कहते हैं तेरा आपके ये आता है ना पन्नी वाला चावल उसको बंद किया जाए। पहले आप लोग देखे थे वो जो वीडियो देखे और आपको पहले पता था जब चावल लेके जाते चावल इस तरह से कीड़ा लगा हुआ चावल है, अंदर घुसते थे कभी गोदाम में? नहीं, वो कहा बोला था कि अंदर मत ढुको। अच्छा, मैं खोल के दे रहा हूँ। अच्छा, तो हम लोग नहीं ढुकते थे। आप बताइए वो तस्वीर को आप देखे, उसके बाद आपको क्या समझ में आया? सर, तस्वीर को मैं देखा वीडियो के द्वारा, तो उसमें कीड़ा लगा हुआ था, एक तो चूहा मरा हुआ था। हाँ। तो हकीकत में है ये बात। तो आप लोग चावल लेके जाते थे कभी गोदाम के अंदर घुस के देखते थे? नहीं सर, अंदर घुस के तो नहीं देखते थे, तो क्योंकि हम लोग को पहले फर्स्ट महीना में उठा लेते थे 7-8 तारीख को, तो हम लोग को कल जानकारी मिला। अच्छा, तो इनको भी जानकारी नहीं थी। बाबा, आप तो चावल उठाते हैं ना? देखिए, मैं तो कभी आता भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन भाई ले जाते हैं ना, तो हमारे चावल में तो कोई खराबी नहीं। अच्छा, तो अंदर कभी गोदाम में घुस के देखे हैं? मैं नहीं देखा हूँ। मैं कल यहाँ चावल लेने आया तो जो बांटने वाला जो वर्कर था उसका बोलते वो जसवाल जी का, वो मेरे को बोले कि मैं अंदर से नहीं जाऊँगा, आप जाके निकाल लीजिए अपना चावल। तो मैं बोला क्यों यार, तो बोला कि महक रहा है वहाँ अंदर में। क्या महक रहा है? अब जाके वहाँ देखता हूँ तो चूहा मरा पड़ा है पूरा बाव चावल में, कीड़ा वूड़ा रेंग रहे एकदम पूरा भीगा है चावल, पूरा बुरा फट गया है। तो फिर वो सब मैं देखा स्कूल में लड़का लोग, छोटे छोटे लड़का लोग खाते हैं, तो फिर क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है वो लोग को। तो देख सकते हैं वीडियो बनने के बाद खासकर जो प्रशासन है उसके बीच में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में खाद्य विभाग जो है वो दावा कर रहा है कि जांच टीम गठित कर दी गई है, अब जांच करने के बाद जो भी दोषी होंगे उस दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है ये एक चौंकाने वाली तस्वीर है, खाद्य विभाग के कार्यशैली पर खासकर ये एक सवालिया निशान खड़े कर रहा है। ऐसे में जो दावे हैं कार्रवाई के और किस स्तर की जाँच होती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। वरुण राय, न्यूज 18 सूरजपुर।
ये सूरजपुर की तस्वीरें आपने देखी, देखिए कितने हाल बेहाल हो चुके हैं। अब वरुण तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से गरीबों के हक पर डाका डाला जाता है, उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। कभी राशन में घोटाला, कभी राशन तोलाई में घोटाला हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, आखिर जिम्मेदार क्या कहते हैं, कैसे कीड़े वहाँ पर लग गए, कहाँ कैसे वहाँ पर अनाज रखा हुआ था, कब से रखा हुआ था और आखिर कार्रवाई कैसी होगी इसमें? रितु, सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ। ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे की तस्वीर है। ये तो यहाँ के ग्रामीण हैं और लेकिन उससे आनंद फानंद में यहाँ राशन दुकान खोल दिया गया था और इसी के अंदर वो राशन पड़ा हुआ था जो गरीबों को वितरित किया जाता है, हर महीने किया जाता है। और इस गोदाम में हालांकि वो वीडियो बनाने वाला जो हितग्राही है उसने अंदर घुस के उस चावल की तस्वीर दिखा दिया जहां चूहे उस गोदाम में मरे पड़े थे और जो कीड़े लगे हुए थे, क्योंकि अब सीधे सीधे एक खिलवाड़ था है ग्रामीणों के सेहत के साथ में, जानलेवा चावल हो चुका था, उसके बाद वो वितरण किया जाता है। ऐसे में जब न्यूज 18 ने खबर चलाया, लगातार इस मामले को उजागर किया, आनंद फानंद में फिलहाल के राशन दुकान को बंद कर दिया गया। और जो यहाँ के ग्रामीण, हम इनसे जानते हैं इनको कितनी जानकारी थी वीडियो वायरल होने से पहले तक इनके पास क्या जाएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? तो कभी आपको पता है कि चावल बढ़िया है खराब है, क्या आपको जानकारी है? मेरे को जो है तो मैं जब ले जा हूं तो बढ़िया मिला है, अब जब पानी गिरा ना भवन में तो मैंने खराब हो गया चावल। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा था एक चूहा मरा हुआ था, कीड़े लगे हुए थे चावल में, वो कभी आप गोदाम के अंदर घुस के देखे थे? मैं नहीं घुसा हूँ। कभी नहीं घुसे? कभी नहीं घुसा हूँ। और आप लोग में से आप बताइए दादा, आप लेते हो यहाँ से चावल वाल, उठाते हैं आप लोग? हर महीने उठाते हैं? हर महीने। तो अभी एक तस्वीर आप देखे चावल में कीड़े लगने का और जो वीडियो एक वायरल हुआ, क्या लगता है कि आपको पता था कि चावल गोदाम में किस तरह से रखा हुआ है? नहीं पता। आप लोग ऐसे ही चावल ले जाते हैं हर महीना? जी नहीं, बाहर से जाते हैं, बाहर से लेके जाते हैं, अंदर नहीं घुसते हैं। तो अंदर से निकाल के देते हैं ना, अंदर से निकाल के हम लोग बाहर ही खड़ा रहते हैं। अच्छा, अंदर घुसने नहीं देते हैं? नहीं। तो रितु, देख सकते हैं ये ग्रामीण जो है ये बाहर से यहाँ से राशन लेके जाते थे क्योंकि ये उधार के भवन में संचालित है, अंदर में गोदाम के अंदर किस स्थिति में वो चावल रखा हुआ है, अब क्या उसकी हाल है और कितने जो ग्रामीण है उसको कितना नुकसान हो सकता है, ये तो वीडियो सामने आने के बाद हुआ है। अधिकारी दावे कर रहे हैं कार्रवाई के, लेकिन कार्रवाई किस स्तर की होगी ये तो वक्त ही बताएगा। जी, खाने के नाम पर जहर इन्हें परोसा जा रहा है, इसमें कड़ाई से जो है कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ाई नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए मौत का दरिया है और डूबकर स्कूल जाना है। नरसिंहपुर की तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं, जहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान हथेली पर रखनी पड़ती है। नौनिहालों का भविष्य सुनहरा हो इसके लिए उफनती नदी में इन्हें उफनती नदी पार करनी पड़ती है, वो भी नाव के सहारे। ये तस्वीरें आधुनिक एमपी के नरसिंहपुर की हैं, जहां तेंदुखेड़ा विधानसभा के जैथारी गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं क्योंकि स्कूल की राह में नदी है और नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। 6 साल पहले एक ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ लेकिन आज तक पूरा नहीं हो सका। अब हालात ऐसे हैं कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए उफनती नदी पार करनी पड़ती है। नरसिंहपुर जिले के जैथारी से कल्याणपुर को जोड़ने वाला महज 1 किलोमीटर से कम का भी ये ब्रिज पिछले 4 साल से अपने पूरे होने की राह देख रहा है, जिसके चलते 1000 की करीब आबादी वाला एक गांव और यहां के पढ़ने जाने वाले करीब 30 से 40 बच्चे हमेशा सक्कर नदी पर ही नाव का सफर करके अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। हालात ये हैं कि अब बरसात का मौसम है और ऐसे में बाढ़ के हालात हैं, उफनती नदी में नाव का ये सफर स्कूल के बीच में कहीं आड़े ना आए इसके लिए बच्चे नाव से चल रहे हैं, जोखिम में लेकर अपना ये सफर कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये ब्रिज पिछले 4 सालों से अभी तक निर्माणाधीन है जिसको दिसंबर 2020 में पूरा होना था। ये तेंदुखेड़ा विधानसभा का इलाका है जहां से पहली बार स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह चुनकर आए थे विधानसभा के लिए और यहां से 3 बार वह सांसद भी रह चुके हैं और अब जब वह मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री हैं तब इस गांव के लोगों की अब इनसे उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि कहीं ना कहीं अब स्कूल शिक्षा मंत्री बच्चों की पढ़ाई के लिए आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें संकट से दूर करेंगे।
और सीधा चलते हैं, हमारे साथ सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, बच्चों को जान हथेली पर रखकर के नदी पार करनी पड़ रही है और स्कूल जाना पड़ रहा है, और कई लोग भी होंगे जो अपने काम के लिए निकलते होंगे इसी नदी को पार करते हुए। ये भी है कि पुल का निर्माण होना था, हो नहीं पाया, लंबे वक्त से अटका हुआ है, क्या कह रहे हैं जिम्मेदार, क्या क्या परेशानियां वहां के लोगों को होती है, बातचीत उनसे भी करिए और जानकारी भी दीजिए। जी ऋतु, परेशानी दिखाने के लिए तस्वीर काफी है, इसके अलावा परेशानी से दो चार होने के लिए जो बच्चे रोज जूझ रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से वो छाते लगा के सफर कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से मध्य प्रदेश में हालात खराब हैं, नरसिंहपुर में हाई अलर्ट की चेतावनी है। इसके बाद जो नदी है सक्कर नदी, ये ऊपर से आने वाली नदी है, जो जब पानी जंगलों में गिरता है तो ये नदी फुल चलती है, बिल्कुल सबसे तेज चलने वाली ये नदी मानी जाती है, बड़ा पाट है। ऐसे में महज 186 मीटर का एक ब्रिज जो 4 साल पहले पूर्ण होना था पूरा नहीं हो पाया, जिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदारी पूरी तय होती है कि क्यों आखिरकार ये ब्रिज नहीं बन पाया। हमारे साथ जैतहरी के कुछ लोग हैं जिन्होंने इस समस्या को भी कई बार दो चार हुआ है, रोज उनका आना जाना है, उनके बच्चे भी निकल रहे हैं। उन्होंने साफ बताया कि इस संकट को देखते हुए परिवार वालों ने, कई ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है कि हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते, उससे अच्छा पढ़ना ही छोड़ दिया जाए। क्या कहेंगे जमोहन हमारे साथ हैं, कितना बड़ा ये कितनी बड़ी समस्या है? सर ये समस्या तो बहुत बड़ी है, हमारे जनप्रतिनिधि भी काफ़ी समय से लगे हैं, हमारे यहाँ जो मदनलाल ठेकेदार जी हैं वो काफ़ी समस्या, या रोड भी है या जैसे पुल है, 4 साल पहले बनना था, 2018 से बन रहा है, आज 6 साल होने की जा रही, अभी भी पूरा नहीं हुआ। कई बार करंट लग जाता है बरसात में, सांप काट लेता है, कई लोगों की इसमें भी जान गई है, कई बार नाव पलट भी जाती है श्रीमान जी वहाँ पे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, तत्काल कोई व्यवस्था हो जाए। अब रोज ही स्कूल जाने का रोज का काम रहता है बच्चों का, तो बच्चे कई बार क्या होता है जाते नहीं है, घबरा जाते हैं, नाव में बैठते हैं तो पूरी दो ही पार, जब नाव चलती है पानी चलता है तो नाव में बच्चे घबराते हैं, और टीचरों के फ़ोन आते हैं, प्रोजेक्ट मतलब जो अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट रहते हैं उनमें भी पीछे रहते हैं बच्चे, तो बच्चे हर दिन घर पर जाके एक ही समस्या कहते पापा हम पढ़ने नहीं जाएंगे। इधर के बच्चों की बहुत समस्या है, और जो नई युवा पीढ़ी है वो बहुत पीछे रह रही है जैथारी गाँव की। तो नई युवा पीढ़ी बहुत पीछे रह रही है, आप समझ सकते हैं कि हम जब विकास की और सारी बातें करते हैं कि मध्य प्रदेश लगातार विकासशील राज्यों में शामिल हो रहा है, ऐसी तस्वीरें बताती हैं किस तरह से 4 साल पहले मदनलाल एंड पार्टनर्स जो इसके ठेकेदार हैं राजनांदगांव की, उन्हें ये काम पूरा करना था, लेकिन आज तक ये ब्रिज का काम अधूरा पड़ा है। 186 मीटर का ये छोटा सा ब्रिज है, ये यदि बन जाए तो बच्चों के लिए जो जोखिम में जान लेके चल रहे हैं वो सफर बंद हो जाएगा। कुछ इलाके के लोग हमारे साथ हैं, कुछ और लोग बता रहे हैं किस तरह से बस इस तरफ लगती है, तो बच्चों को लेके जाती है, खुद परेशानी मुसीबत में पड़े हैं, और कई बार ये परेशानी में आए, बहुत ज्यादा परेशान हुए, बच्चों को भी परेशान होते देख रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, हालांकि देखने वाली बात होगी जो मुसीबत है उसका समाधान कब निकलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जबलपुर का जिक्र करते हैं, कोर्ट से अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को राहत मिली है, 66 कॉलेजों के छात्र परीक्षा में अब शामिल हो सकेंगे, योग्य कॉलेजों में शिफ्ट होंगे अयोग्य कॉलेजों के छात्र। कोर्ट ने छात्रों के एनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोलने के निर्देश भी दे दिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जबलपुर से, कोर्ट से अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को राहत अब मिली है, 66 कॉलेजों के छात्र अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, योग्य कॉलेजों में शिफ्ट होंगे अयोग्य कॉलेजों के छात्र। बता दें कोर्ट ने छात्रों के एनरोलमेंट के लिए पोर्टल खोलने के निर्देश भी अब जारी कर दिए हैं। तो कोर्ट से जो अयोग्य नर्सिंग कॉलेजों के छात्र थे वो लंबे वक्त से परेशान थे, राहत की मांग इनके द्वारा की जा रही थी कि इन्हें भी योग्य किया जाए, ये भी परीक्षा दे सकें, परेशान ना हो, इनकी पढ़ाई पूरी हो, और इसी को लेकर के कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। अब ये जो छात्र हैं इन छात्रों को राहत मिली है, 66 कॉलेजों के छात्र अब परीक्षा में शामिल होंगे। ग्वालियर का जिक्र करते हैं, नकली नोट छापने का गौरख धंधा, नकली नोट छापने वाले दो गिरफ्तार हुए हैं, 50, 100, 200, 500 के नकली नोट भी बरामद किए गए, 2,04,450 के नकली नोट बरामद हुए हैं। जनकगंज के जागृति नगर इलाके में ये नकली नोट छाप रहे थे, कलर प्रिंटर, इंक, बटर पेपर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आरोपी 2 लाख के नकली नोट अशोक नगर भेज चुके थे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नकली नोट बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ मामले में गिरफ्तारी भी। ये क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा एक कार्रवाई किया है, फेक इंडियन करेंसी नोट का एक प्रिंट करने वाले एक गैंग को पकड़ा है, उनमें से 2 आरोपी अब गिरफ्तार किया है।
मुखबिर द्वारा सूचना मिला है कि जनकगंज थाना क्षेत्र में जागृति नगर पे एक मकान किराए पे लेकर करेंसी, फेक इंडियन करेंसी चपवा रहे, तो उस इनपुट को डेवलप किया था और रविवार देर रात वहाँ पे रेड किया था। वहाँ पे दो लोग मिला था, दो आरोपी को गिरफ्तार किया और उनके पोजीशन से 2,09,000